वन परिक्षेत्र रे के तहत पड़ते वन खंड धमेटा के बीच धमेटा में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार फतेहपुर हरीश कुमार ने पौधारोपण कर शुभारंभ किया। वन खंड अधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार धमेटा बीच में 10 हेक्टेयर C5 व P7 वडला में 5 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जा रहा है, जिसमें जामुन, बहेड़ा, शहतूत, सागवान, खैर, बांस प्रजाति के पौधों का पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर वन रक्षक धर्मेंद्र सिंह धमेटा, बीट दीपक कुमार, अनूप सिंह उप प्रधान, हडवाल पंचायत मनी पठानिया, वन कर्मी सुभाष सहित लोग उपस्थित रहे। पर्यावरण के ऊपर क्या किस प्रकार से आप देखते हैं इस चीज को? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और इसकी इकोलॉजिकल परिस्थितियों के लिए पौधों का रोपण करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये लोकल्स प्लांटेशन ड्राइव में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो मैं सभी हिमाचल प्रदेश की जनता और यहाँ पे जो विशेषतः फतेहपुर की जनता से आग्रह करता हूँ कि बढ़ चढ़ के इस वन महोत्सव और प्लांटेशन ड्राइव में भाग लें, ताकि आगे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए पर्यावरण बचा रहे। जिस प्रकार से आज की डेट में देखा जाए ग्लोबिंग वार्मिंग, जो गर्मी का जो बहुत वर्चस्व है इस एरिया में, पहले के समय में इतनी गर्मी वगैरह होती नहीं थी, तो आप इस चीज़ के लिए किस चीज़ को मानते हैं कि ये प्लांटेशन की कमी है या कुछ और तरीके से देखते हैं आप इस चीज़? अब जैसे आप सभी जानते हैं और लोकल्स भी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट है जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो ऐसे पेड़ पौधे जिनसे जो कि प्रदूषण और पॉल्यूशन में जो गैस एमिट्स की जा रही हैं इन वाहनों के द्वारा, अगर सोकअप करते हैं यही पेड़ पौधे, हमें इस पॉल्यूशन को डिक्रीज करने में सहायता करते हैं। तो मैं फिर से यही अपील करूंगा जो लोकल्स मौजूद हैं कि ऐसे प्लांट्स भी लगाएं जो कि ना केवल हमें फल फ्रूट दें बल्कि पॉल्यूशन भी डिक्रीज करें और जैसे साउंड पॉल्यूशन होता है उसको भी डिक्रीज करने में सहायता करें। ठीक है। अर्जुन है, शीशम है, द्रेक है और एनस्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय समयाल की रिपोर्ट।